सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त वीके ब्लॉगर और आज लाया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो जो आज जो होने वाली हमारी स्कॉर्पियो एन जेड जेड एट एल और सिक्स सीटर, उसके बारे में बात करने वाले। तो बिना देरी किए चलो इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं। पीछे ही खड़ी है तो चलो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। फ्रंट पर आपको मिल जाता है ये 3D महिंद्रा का नया लोगो। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपका यहाँ पे कैमरा आ जाता है, यहाँ पे ये ग्रिल आ जाती है जो मैट कलर में है और यहाँ पे ये छोटी सी ग्रिल देख सकते हैं, ये भी मैट कलर में है और यहाँ पे देख सकते हैं स्किड प्लेट जो सिल्वर में है और यहाँ थोड़ा आ जाते तो सेम ये टॉप वेरिएंट देख रहे हैं आप, बट ये सिक्स सीटर है जेड एट एल और यहाँ पे देख सकते हैं DRLs और यहाँ पे इसका प्रोजेक्टर और यहाँ पे सेंसर है पार्किंग के और ऊपर थोड़ा आते तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके हेडलैम्प्स प्रोजेक्ट। यहाँ पे ये हाई बीम के लिए है जो LED है वाइट कलर में और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये भी LED से प्रोजेक्टर और यहाँ पे ये इंडिकेटर्स की तरह इनके काम करते हैं, ये भी DRL से। फ्रंट से कुछ ऐसी इसकी लुक है देख सकते हैं। अभी थोड़ा साइड में आते तो यहाँ पर देख सकते हैं मिरर देख सकते हैं बॉडी कलर में है और यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाता है इंडिकेटर जो LEDs में है, ये भी बॉडी कलर में है हैंडल और आपका यहाँ पे रूफ रेल्स जो सिल्वर कलर में है, यहाँ एड्रनॉक्स की बैजिंग और थोड़ा और पीछे आ जाते तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका टेल लैम्प जो भी दिख नहीं रहेगा आप सभी को सही से, बट ये भी LEDs में है इंडिकेटर, ये भी LEDs में है। यहाँ पे ये भी जो ब्रेक लाइट है ये भी LEDs में है और बैक से इसका भी कुछ ऐसा लुक है। यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, शार्फिन एंटीना, यहाँ पे स्टॉप लैम्प हो गया और डिफॉगर, वाइपर और वॉशर देखना पड़ेगा, वॉशर नहीं है शायद से इसमें। और यहाँ पे आपका स्कॉर्पियो की बैजिंग स्कॉर्पियो एन की और यहाँ पे थोड़ा कस्टमर है तो थोड़ा आपको आवाज़ आ रहेगा, थोड़ा इग्नोर करना उनको। और यहाँ पे आपका यहाँ पे ये सिल्वर कलर में देख सकते दिया गया है, क्रोम कलर है। और यहाँ पे स्किड प्लेट छोटी सी दी गई है वो भी सिल्वर में है। यहाँ पे स्टेपनी टायर, यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट का पाइप देख सकते और रियर से कुछ इसकी ऐसी लुक है। अभी इसका बूट भी देख लेते हैं ओपन करके। यहाँ पे हाइड्रोलिक्स लगे हुए और यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे कुछ इसकी सीट आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे करके कुछ फोल्ड कर सकते हैं आप इसकी सीट और यहाँ से भी ये साइड से आप इसको खींच के इसको कर सकते हैं फोल्ड। मैं इसे फोल्ड करके दिखाता हूँ क्योंकि एक हाथ से तो होगा नहीं, दोनों हाथ से करना पड़ेगा। आपको फोल्ड करके दिखाता हूँ फिर दिखाता हूँ कितना इसमें स्पेस है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं सीट फोल्ड कर दिया हूँ, कुछ इतना बूट स्पेस है, काम भर का है। दो चार बैग आ सकते हैं आपके, यहाँ पे दो बैग और यहाँ पे दो बैग, चार बैग आ सकते हैं आपके। और इसे आप ऐसे कर नीचे कर दो, इसको नीचे कर देते हैं। अभी फ्रंट में चलते हैं, फ्रंट की बात करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पैसेंजर साइड फ्रंट के, वहाँ पे आपका AC वेंट मिल जाता है। यहाँ पे फिर से अगेन महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की बैजिंग, यहाँ पे ये सिल्वर कलर में रैव हेल्स, यहाँ पे आपका ओपनर हो गया डोर ओपनर, यहाँ पे पावर विंडो के बटन, यहाँ पे आपका पियानो ब्लैक और यहाँ पे आपका बॉटल रखने के स्पेस दिया गया है कुछ, यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ पे ट्विटर्स। तो ड्राइवर साइड डोर की बात कर लेते तो देख सकते हैं यहाँ पे ये सॉफ्ट टच लेदर है, ये आपका हार्ड प्लास्टिक है और मैं ऐसे इसको बजा के देखता हूँ क्योंकि पता चल जाता है ये सॉफ्ट है या हार्ड है, ये मेरा ट्रिक है। और यहाँ से आप पावर विंडो के कंट्रोल्स देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये पियानो ब्लैक है, ये जो दिख रहा है आपको बॉडी, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक है, यहाँ पे आपका ग्रेवल, यहाँ पे भी सिल्वर कलर में ग्रेवल और यहाँ पे आपका एडजस्टेबल मिरर एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है
यहाँ से आप मेरे एडजस्ट कर सकते हैं। सो अभी अंदर की बात करते हैं। और सो यहाँ पे फुल्ली लेदर रैप स्टेयरिंग, यहाँ पे आपके कंट्रोल्स आ जाते हैं क्रूज़ के, इस साइड वॉल्यूम के, फ़ोन के, फ़ोन कट करना है या क्या करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। स्पीकर से कंट्रोल्स आ जाते हैं, यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये फ़िलहाल में ये डेमो कार है, इसकी वजह से ये शोरूम के अंदर है, इसकी वजह से इसका चाबी की नहीं मिलेगा मुझे, पर आप ऐसे देख सकते हैं ये, क्योंकि टॉप वेरिएंट है, आप कोई और वीडियो में भी देख सकते हैं। और यहाँ पे एसी वेंट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आपका बटन दिया गया है स्टार्ट एंड स्टॉप करने का, यहाँ पे आपका हेडलाइट का लेवल एडजस्ट करने के लिए दिया गया है, इंफोटेनमेंट सिस्टम आपका मिल जाता है यहाँ पे साइड साइड में, देख सकते हैं ये प्लास्टिक जो है क्रोम में दिया गया है आपको साइड साइड में, यहाँ पे ये सिल्वर, और इस साइड में देख सकते हैं ये सॉफ्ट टच है। और यहाँ टू जोन एसी क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे सिक्स स्पीड का मैनुअली आपका गियर का नॉब है, ये भी लेदर से रैप किया गया है। यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक आ जाता है मैनुअली हैंड ब्रेक, यहाँ पे दो कप होल्डर्स, यहाँ पे आपका स्पेस दिया गया फ़ोन ऑन रखने के लिए, कुछ अपना सामान रख सकते हैं आप। यहाँ पे आपका आर्मरेस्ट आ जाता है, ये भी लेदर है, सॉफ्ट टच लेदर है, हार्ड बट हार्ड इसे बोलेंगे। भाई सेकेंड रो की डोर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये हार्ड प्लास्टिक है, आपका सॉफ्ट आ जाता है लेदर में। यहाँ पे पियानो ब्लैक अगेन फिनिशिंग दी गई है, यहाँ पे आपका पावर विंडो का कंट्रोल यहाँ ग्रेवियल सिल्वर में, और यहाँ पे आपका वाटर रखने की जगह दी गई है, यहाँ पे स्पीकर्स, यहाँ पे आपके दो कैप्टन सीट आ जाते हैं जो मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग, और जो ये आम हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, चारों के चारों नहीं छः के छः एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे आपके एसी के वेंट्स आ जाते हैं, यहाँ पे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इन्हें, यहाँ पे यूएसबी टाइप सी चार्जर्स का पोर्ट दिया गया है, और यहाँ पे आपका ये फुल्ली लेदर सीट आ जाता है, बोले तो कॉफ़ी कलर बोलो या तो फिर आप इसे चॉकलेटी कलर बोलो, और यहाँ पे आपका आर्म रेस्ट आ जाता है, इसे आप बंद भी कर सकते हैं इस तरह से कुछ, और यहाँ पे अलग अलग सीट बेल्ट भी है साइड साइड में लगे हुए, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो रूम में जाना है तो आप यहाँ से ऐसे सीट करके जा सकते हैं, अभी साइड से ऐसे करके, हाँ ऐसे करके आप थर्ड रो में जा सकते हैं फुल इसके। तो अभी थर्ड रो में चलते हैं हम, और यहाँ पे थर्ड रो में देख सकते हैं बिल्कुल सेम है जैसा मैंने स्कॉर्पियो एन का टॉप मॉडल का दिखाया है, बट ये सेवन सीटर नहीं, वो सिक्स सीटर था। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है रखने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस मिल जाता है कुछ रखने के लिए। यहाँ पे आपको कैबिन लाइट जो है ये भी LEDs में है, यहाँ पे स्पीकर सेम, यहाँ पे ग्रैब हैंडल, यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है चार्जिंग के लिए, और पीछे में ऐसे कुछ है नहीं चार्जर करने के लिए। और यहाँ पे कैबिन लाइट ये भी जो है ये भी LEDs में ही है, बट ये अभी बंद है क्योंकि आपको मैंने बता ही चुका है पहले, ये जो है डेमो कार है और ये शोरूम के अंदर है, इसकी वजह से इसका चक्की नहीं मिलेगा मुझे, और पीछे में भी बैठ सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, कंफर्ट के मामले में पीछे भी छोटे बच्चे बैठ सकते हैं, अगर आप पतला दुबला आदमी है तो वो भी बैठ सकता है। और हेडरूम की बात कर ली जाए तो देख सकते हैं हेडरूम टच हो रहा है मेरा यहाँ पे सर टच हो रहा है, यहाँ से देख सकते हैं मेरा सर टच हो रहा है, और बूट स्पेस तो आपको दिखा ही चुका हूँ। सो गाइस बस वीडियो में और क्या दिखाऊं, वैसे सेम वीडियो बन जाएगी, इसकी वजह से मैं आपको यही दिखाना चाहता था, और कुछ इस तरीके से आप इसे फोल्ड कर सकते हो ऐसे करके, और देख सकते हो यहाँ पे लेग रूम एरिया काफ़ी कम है बट काम चलाने लायक है, आप इसे ऐसे करके नीचे कर सकते हो, जो अभी मैं करके बाहर निकलूँगा।
गाइस आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक करना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो कमेंट भी कर देना एक, और मिलता हूँ फिर कोई नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।